आगरा ताजनगरी में पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता राजा महेंद्र अर्दिमन सिंह ने बारिश की एक बूंद से धरती माँ की कोख भरने का आंदोलन शुरू किया है। वे गंगाजल प्रोजेक्ट की परिकल्पना साकार होने के बाद आगरा के भूगर्भ जल स्तर में सुधार के लिए जन आंदोलन शुरू कर रहे हैं। सोमवार को जिला सहकारी बैंक में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा महेंद्र अर्दिमन ने बताया कि आगरा के अधिकांश ब्लॉक डार्क जोन में पहुंच चुके हैं। साल दर साल भूगर्भ जल स्तर गिरता जा रहा है। आगरा में जल संकट गहराता जा रहा है। इसे जन सजगता से दूर किया जा सकता है। इसके लिए आगरा और देहात के सभी ब्लॉकों के तालाबों को चिन्हित किया गया है। इनमें से अधिकांश तालाब गंदगी से पटे पड़े हैं। कुछ तालाबों में अवैध कब्जे हैं। पहले चरण में तालाबों की खुदाई की जाएगी। क्षेत्र के लोगों के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से मनरेगा के तहत इन तालाबों की खुदाई होगी। हर ब्लॉक से 10 तालाबों की खुदाई का लक्ष्य रखा गया है। इसकी शुरुआत बहा के तालाब से होगी, जिससे मानसून की बारिश से पहले आगरा में तालाबों की खुदाई हो सके। इन तालाबों में बारिश का पानी भरेगा, जिससे भूभार्ग जल स्तर में सुधार होगा। ये प्रयास आगरा के सभी ब्लॉकों में लोगों की जनसहभागिता से किया जाएगा। इसी का आंदोलन के रूप में खड़ा करने के लिए हर ब्लॉक में लोगों से संपर्क किया जा रहा है। इस दौरान मदन मोहन शर्मा उपस्थित थे। देखिए, ये गर्मियों का ग्रीप मौसम है और इतने बड़े पैमाने पर आगरा जनपद में तालाब है। अगर इनको रिचार्ज किया जाए, इनको बरसात के पानी के लिए संचय करने के लिए बनाया जाए, तो आगरा का जो बड़े तेजी से जो ग्राउंड वाटर गिर रहा, भूजल गिर रहा है, उसमें और उतनी ही तेजी से इसमें सुधार होगा। अब एक महीना है बरसात आने से पहले, तो मैंने मुख्य विकास अधिकारी को संबोधित हुए पत्र लिखा है और प्रतियां सभी जगह भेजी है कि ये इसमें पहले आप चिन्हित कर लें, आपने फंड्स देख के और तालाब का रकवा देख के कि इनका मनरेगा से जो बड़े पैमाने जो पैसा आता है, एक तो 100 दिन का रोजगार मजदूरों को मिलेगा ही, प्लस वो फावड़े से इसकी गहराई कर दिया जाए और उसका स्लोप और इस तरह से बना दिया जाए कि बरसात का पानी उसमें भर जाए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। साथ साथ मेरी अपील, अनुरोध, प्रार्थना सभी जनप्रतिनिधियों से, विधायक और सांसदों की होगी कि 5 करोड़ तो सांसद को मिलेंगे और 1.5-2 करोड़ करीब विधायकों को मिलते हैं। अगर इसमें वो लोग अपने इन निधि से सहयोग करें तो और तेज़ी से और बेहतर काम हो सकता है। और ये इतने बड़े पैमाने पर इसमें जन सहयोग की आवश्यकता है। जैसे पहले श्रमदान करके सड़क बनती थी और राजस्थान में बहुत लोग इसमें सहयोग करते हैं, इसलिए क्यों किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी सरकार के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जल संचय करके अपने उपयोग के लिए हम लोग करना चाहते हैं। ये हमारी एक योजना है और हमें मुख्य विकास अधिकारी से, जिलाधिकारी को पत्र जाएगा, कमिश्नर को और ग्राम्य विकास को, चीफ सेक्रेटरी को, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को, कि जिससे कि इस पे बल दें और आगरे की देहात की जो गिरते हुए भूजल की जो समस्या है, उससे काफ़ी हद तक इसको इससे राहत मिलेगी। यही एक मेरा प्रयास रहेगा।